वेलकम टू अनसोल्ड मिस्ट्रीज दोस्तों, आज की ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम एक अमेरिकन हॉरर मूवी की एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं और इस अमेरिकन हॉरर मूवी का नाम है ईविल डेड, जो कि सन 1981 में रिलीज हुई थी। आईएमडीबी पर इस फिल्म की रेटिंग है 7.5 स्टार्स आउट ऑफ 10, रोटेन टोमेटो पे इस 95% फ्रेश और इस फिल्म की मेटाक्रिटिक स्कोर है 71 आउट ऑफ 100। तो आज की वीडियो में हम सभी मिलकर ईविल डेड मूवी की कहानी को विस्तार में जानेंगे। तो चलिए अब चलते हैं इस मूवी के प्लॉट की तरफ। तो दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हमको कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स को दिखाते हैं जो पिकनिक के लिए एक रिमोट प्लेस पर जा रहे होते हैं, क्योंकि इस समर वेकेशन में इन सभी ने डिसाइड किया था कि ये सभी मिलकर अपने इस गर्मियों की छुट्टियों को एक कॉटेज पर एक्सपेंड करेंगे। अब इसी बीच सैली स्कॉट से इस कॉटेज की लोकेशन के बारे में उससे पूछती है, क्योंकि इनमें से किसी को भी पता नहीं था कि ये आखिर में कहाँ जा रहे हैं। तो अब स्कॉट, जो कि इस ट्रिप का ऑर्गेनाइजर होता है, वो इन सभी को बताता है कि मैंने खुद ने भी अभी तक ये जगह नहीं देखी है, मैंने बस इस कॉटेज को इसलिए बुक कर लिया था क्योंकि ये कॉटेज बहुत सस्ते में मिल रही थी और आफ्टर ऑल इसकी लोकेशन काफी अच्छी थी। अब इसी बीच एश, जो कि इस मूवी का मेन कैरेक्टर होता है, स्कॉट को कहता है कि हमको उस कॉटेज तक जाने के लिए इस ब्रिज के ऊपर से जाना होगा, पर उस ब्रिज की हालत पहले से ही काफी नाजुक थी। बट अब जैसे तैसे ये सभी जंगल के रास्ते से होते हुए उस कॉटेज तक पहुंच जाते हैं जहां पर वो कॉटेज मौजूद था। अब इस कॉटेज पे पहुंचते ही इन सभी को उस कॉटेज को देखते हुए डर लगता है क्योंकि वो बाहर से दिखने में काफी डरावना था। तो अब स्कॉट हिम्मत करते हुए उस कॉटेज का मेन डोर खोल देता है और वो इन सभी को इसके अंदर आने के लिए कहता है। तो अब उसी दिन रात को लिंडा अकेली रूम में बैठकर एक घड़ी की पेंटिंग बना रही होती है, जो कि अचानक से 5:55 पर रुक जाती है। अब उस घड़ी के रुकते ही लिंडा को घर के बाहर से किसी की आवाज सुनाई देती है, जो कि सीरियसली काफी डरावनी थी। खैर, अब लिंडा को उस आवाज को सुनाई देती ही कोई उसके राइट हैंड पर काबू कर लेता है और जो पेंटिंग जिस पर लिंडा स्केच कर रही थी उस पर एक किताब जैसा स्केच बना देता है। अब नेक्स्ट सीन में ये सभी मिलकर एक साथ डिनर टेबल पर डिनर करते हैं। देन तब भी डिनर करते वक्त इनको घर के बेसमेंट से जोरदार आवाज आती है, जिसको सुनते ही वो सब उस बेसमेंट की तरफ जाते हैं। अब उस बेसमेंट के पास पहुंचते ही इन सभी को पता चलता है कि उसका डोर खुद पर खुद खुल चुका होता है। तो अब स्कॉट उस बेसमेंट के अंदर जाकर उसकी तलाशी करने चले जाता है, क्योंकि उसके अलावा कोई भी इस बेसमेंट के अंदर जाना नहीं चाहता था। अब स्कॉट को इस बेसमेंट के अंदर गए हुए काफी टाइम हो जाता है, तो एस अब स्कॉट को आवाज मारने की कोशिश करता है, बट स्कॉट कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता। तो अब एस भी स्कॉट को ढूंढने के लिए उस बेसमेंट के अंदर चले जाता है, जहां पर एस उसको ढूंढते ढूंढते बेसमेंट के अंदर एक कमरे के अंदर पहुंच जाता है, जहां पर उस कमरे में एस को फाइनली स्कॉट मिल जाता है, जो कि वो इन सभी से एक काइंड ऑफ मजाक कर रहा था। तो अब स्कॉट एस को उस कमरे के अंदर रखी कुछ चीजों के बारे में उसको बताता है, जिसमें उसको कुछ गन्स और एक किताब मिलती है और साथ ही साथ एक खोपड़ी वाली तलवार और एक टेप रिकॉर्डर मिलता है। और अब ये दोनों मिलकर इन सारे सामान को लेकर ऊपर चले जाते हैं। अब एस बेसमेंट के अंदर मिले उस टेप रिकॉर्डर को सभी को सुनाने के लिए चलाता है, जिसमें एक आदमी इस किताब के साथ जुड़े कुछ इंसिडेंट्स के बारे में इनको बताता है, जिसमें इस किताब का नाम होता है नेचुरल डेमेंटो, यानी कि शैतान जाग उठा, जिसके अंदर इस किताब का कहना होता है कि मनुष्य प्रेत आत्मा और शैतान का रूप लेकर इसलिए भटकता है क्योंकि उसकी कोई अधूरी इच्छा रह जाती है, तो इसलिए वो मरने के बाद हैवान बन जाता है। अब इसी बीच लिंडा इन बातों को सुनकर काफी डर जाती है और वो उस टेप रिकॉर्डर को वहाँ पे ही रोक देती है, बट स्कॉट फिर से उस टेप रिकॉर्डर को चला देता है और अब वो आदमी एक मंत्र सा पढ़ता है, जिसमें वो बार बार बस कांदा कांदा बोलता है। और इस चीज को सुनकर लिंडा फिर से स्कॉट को वो टेप रिकॉर्डर बंद करने के लिए कहती है, बट वो नहीं करता और पीछे जंगल से बुरी आत्माएं इस मंत्र को सुनकर अपना रूप ले रही होती है। अब लिंडा इस आदमी के मंत्र को सुनकर इतनी फ्रस्ट्रेट हो जाती है कि वो चिल्लाकर उन सभी को वो टेप रिकॉर्डर बंद करने के लिए कहती है। देन तभी पीछे से एक खिड़की का कांच टूट जाता है और लिंडा रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। अब लिंडा अपने कमरे में जाने के बाद उसी पेंटिंग को देख रही होती है, जिसमें एक किताब बनी हुई होती है। अब उस पेंटिंग को देखते ही लिंडा को जंगल की तरफ से कुछ आवाजें आती हैं और अब वो उन आवाजों को सुनकर जंगल की तरफ चली जाती है। अब धीरे धीरे उस घने जंगल में जाने के बाद उस जंगल की झाड़ियाँ लिंडा के पैरों को कसकर जकड़ देती हैं और वो झाड़ियाँ उसके बॉडी पर अटैक कर देती हैं और यहीं से लिंडा पोजेस हो जाती हैं। अब इस अटैक के बाद लिंडा अपने कॉटेज की तरफ डरते हुए भागती हैं
और वो सीरियसली काफी डरी हुई थी। अब लिंडा इन सभी को इस जगह से जाने के लिए कहती हैं, बट एश और स्कॉट लिंडा को समझाने की कोशिश करते हैं कि तुमको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है और सुबह तक सब कुछ ठीक हो जाएगा, और वो लिंडा की इस बात को मानने से इनकार करते हैं कि कोई भी भूत वूत नहीं होते। बट लिंडा एश को कहती है कि मुझे इस जंगल से अभी निकलना है, और एश फाइनली लिंडा की बात मान लेता है और वो लिंडा को अपने साथ उस जंगल से बाहर ले जाने की कोशिश करता है। बट तभी आधे रास्ते पे पहुंचने तक इनको पता चलता है कि इस जंगल से बाहर जाने का रास्ता जो कि एक ब्रिज था वो अब टूट चुका था, जिसके कारण से अब वो इस जंगल के बाहर नहीं जा सकते थे। तो अब अनफॉर्चुनेटली इनको फिर से अपने कॉटेज की तरफ जाना पड़ता है। अब कॉटेज में आने के बाद क्रेल और शेली कुछ कार्ड गेम्स खेल रहे होते हैं। देन तभी अचानक से लिंडा पोजेस हो जाती हैं, और तभी शेली, क्रे और एश ये तीनों ही लिंडा की ऐसी हालत को देखकर काफी डर जाते हैं। और अब लिंडा जो कि पोजेस हो चुकी थी वो इन सभी को एक एक कर कर मारने की धमकी देती हैं। और अब लिंडा इसे कहते ही बेहोश होने का नाटक करती है। तो एश लिंडा को चेक करने के लिए उसके पास जाता है। देन तभी लिंडा अचानक से जग कर शेली के पैर में पेंसिल घोप देती है और वो एक एक कर सभी पर अटैक करना शुरू कर देती है। तभी स्कॉट आकर लिंडा के सर पर अटैक कर कर उसको घर के बेसमेंट में डाल देता है और वो उस बेसमेंट के डोर को एक चेन की मदद से बांध देता है। अब इस भयानक अटैक के बाद शेली अपने रूम की तरफ सोने के लिए जाती है। देन तभी उसको भी जंगल की तरफ से आवाजें आने लगती हैं और वो अपनी विंडो की तरफ जाती ही है। देन तभी कोई विंडो तोड़कर उसके तरफ अटैक कर देता है और वो जोर से चिल्लाने लगती है। अब दूसरे रूम में स्कॉट और एश बेसमेंट से मिली उसी खोपड़ी वाली तलवार को देख रहे होते हैं और उसी वक्त उनको शेली के चिल्लाने की आवाज आती है। तो स्कॉट अब शेली के रूम के बाथरूम की तरफ जाता है। देन तभी कोई पीछे से आकर उसके तरफ अटैक कर देता है और ये अटैक करने वाला और कोई नहीं शेली ही होती है, क्योंकि अब वो भी पोजेस हो चुकी थी। अब पोजेस शेली स्कॉट को उसी खोपड़ी वाली तलवार से मारने जा रही होती है। तभी स्कॉट शेली का हाथ काट देता है और वो उसी खोपड़ी वाली तलवार को उसकी पीठ में घोप देता है। बट पोजेस शेली तब भी नहीं मरती और वो फिर से उसकी तरफ अटैक करने के लिए जाती है। तो स्कॉट एस के हाथों से कुल्हाड़ी लेकर शेली को काट कर मार डालता है। सीरियसली दोस्तों, ये सीन काफी डरावना था। अब एश और स्कॉट शेली के मृत्यु शरीर को जंगल के बीचों बीच गाड़ देते हैं। अब शेली को गाड़ने के बाद स्कॉट एश को शेली को यहाँ से लेकर इस जंगल से इसी वक्त निकलने के लिए कहता है। तो एश स्कॉट को समझाता है कि शेरिल इस वक्त जख्मी है और हम शेरिल को इस हालत में यहाँ से लेकर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि इस जंगल से एकमात्र बाहर निकलने का रास्ता जो कि ब्रिज था वो भी अब टूट चुका है, और इसके अलावा हमको और कोई रास्ता मालूम नहीं है जिससे कि हम इस जंगल से बाहर निकल सकें। बट स्कॉट एश की बात को ना मानते हुए उस जंगल का दूसरा रास्ता ढूंढने के लिए वहाँ से चले जाता है। और दूसरी तरफ एश जख्मी शेरिल से मिलने के लिए उसके पास जाता है, बट तभी शेरिल भी पोजेस हो जाती है। अब एश शेरिल की ऐसी हालत को देखकर उस घर से बाहर निकल जाता है। तभी उसी वक्त स्कॉट एश के पास आ जाता है, क्योंकि किसी ने स्कॉट के ऊपर जंगल में अटैक कर दिया था और इसी कारण से वो बुरी तरीके से जख्मी हो गया था। अब एश स्कॉट को घर के अंदर लेकर आता है और उससे इस जंगल से बाहर निकलने का कोई दूसरा रास्ता पूछता है। तो स्कॉट एश को बताता है कि इस जंगल से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है और हम यहाँ पर फंस चुके हैं। अब एश ये बात सुनकर पोजेस शेरिल को पकड़कर बीचों बीच जंगल में छोड़ देता है और वो स्कॉट के लिए एक ड्रिंक बनाकर लेकर आता है। बट तभी एश को पता चलता है कि स्कॉट भी अब मर चुका है। तभी उसी वक्त पोजेस शेरिल घर के अंदर आ जाती है और वो एश के ऊपर उसी खोपड़ी वाली तलवार से अटैक कर देती है। तो एश शेरिल से बचने के लिए उसी खोपड़ी वाली तलवार को उसके पीछे घोप देता है, जिससे शेरिल मर जाती है। अब एश शेरिल के मृत्यु शरीर को लेकर उसको जंगल में गाड़ने के लिए लेके जाता है। तभी इसी बीच शेरिल एक बार फिर से जिंदा हो जाती है और वह एश के ऊपर फिर से हमला करने लगती है। तो एश कुल्हाड़ी की मदद से शेरिल का सर उसके धड़ से अलग कर देता है और फाइनली शेरिल दिस टाइम मर जाती है। अब इस भयानक अटैक के बाद एश फिर से घर के अंदर आता है। तो उधर उसको पता चलता है लिंडा जो कि घर के तहखाने के अंदर बंद थी जो अब बाहर निकल जाती है। तो एश अब अपनी गन लेकर लिंडा को मारने के लिए जाता ही है। तभी लिंडा एश के ऊपर अचानक से अटैक कर देती है। तो एश अब अपने बचाव के लिए पोजेस लिंडा को उसी गन से शूट कर देता है। अब शूट करने के बाद एश को पता चलता है कि उसकी गन्स के सारे बुलेट खत्म हो चुकी है और वो बुलेट लेने के लिए घर के उसी तहखाने में जाता है। तो उधर एश को फाइनली बुलेट्स मिल जाती है। अब बुलेट्स मिलने के बाद एश लिंडा को फिर से मारने के लिए जाता ही है। तभी लिंडा ये पूरा घर अपने काबू में कर लेती है। तो एश अब इस इंसिडेंट को देखकर काफी डिप्रेस हो जाता है और वो घर की हर चीजों को शूट करने लगता है। तभी इसी बीच पोजेस लिंडा और पोजेस स्कॉट
ये दोनों ही मिलकर एश के ऊपर हमला करते हैं, तो एश स्कॉट की आंखें फोड़कर उसको घायल कर देता है, जिससे स्कॉट मर जाता है। बट स्कॉट से लड़ते वक्त एश को पता चलता है कि वो इवल बुक जो कि स्कॉट के पास थी वो घर की चिमनी के पास गिरा देता है। तो एश उस बुक को लेने जाता ही है, तभी स्कॉट एक बार फिर से जिंदा हो जाता है और वो उसका पैर पकड़ लेता है। तो अब एक बार फिर से लिंडा और स्कॉट ये दोनों ही मिलकर एक बार फिर से एश के ऊपर हमला करने लगते हैं। तो एश एक छल्ले की मदद से उस किताब को अपने पास लाकर चिमनी के अंदर फेंक देता है, जिसकी मदद से पोजेस लिंडा और पोजेस स्कॉट दोनों ही उसी वक्त मर जाते हैं। अब इस भयानक अटैक के बाद एश इस घर से बाहर की ओर निकलता है, तभी पीछे से कोई आकर उसकी तरफ हमला कर देता है और बस ये मूवी एक वियर्ड एंडिंग से यहाँ पर ही खत्म हो जाती है। अगर दोस्तों आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसमें मैं ऐसी ही और इंटरेस्टिंग मूवीज लेकर आता रहूंगा।